हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पिघे होट तेरे सॉन्ग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। ये मर्डर फिल्म का सॉन्ग है और कुणाल गाजावाला जी का गावा हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और इजी सॉन्ग है पैन फ्लूट के लिए। मेजर स्केल में ही है और मैं आपको पैन फ्लूट का लेआउट एक बार बोल देता हूँ स्टार्ट करने के पहले। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, ये 3 ऑक्टेव्स का है, लाइक एन हारमोनिका और आप कीबोर्ड बोल सकते हैं। सॉन्ग स्टार्ट करते हैं, तो ये सॉन्ग गा से स्टार्ट होता है, गाना यानी ये वाला मिडिल ऑक्टेव का गा, तो सॉन्ग ऐसे जाता है। ये इसका फर्स्ट लाइन है, तो मैं आपको नोटेशन बोलता हूँ। इसका नोटेशन है गा रे सा सा गा रे मा गा रे सा सा। और इसमें एक ग्रेस नोट है बीच में, दिखाता हूँ। गा रे सा सा, ये रे और गा के बीच में ग्रेस नोट है, उससे अच्छा लगता है। इसमें जब मैं माँ में आ रहा हूँ तो पिछला जो नोट है ना उससे स्लाइड करके आ रहा हूँ, लाइक दिस, मतलब एक ब्रेथ में जस्ट माँ में आ रहा हूँ। ओके, सेकेंड लाइन मतलब अंतरा में है, एकदम तुरंत स्टार्ट होता है, मतलब जस्ट टच करके ही। सारे सा नी धा नी सा गा मा गा रे, धा नी सा रे रे गा रे सा, धा नी सा गा गा रे मा गा रे सा सा गा। ये सारे सा नी धा एक ब्रेथ में, ये गा मा गा रे, ये ग्रेस नोट टाइप का। धनी सारे रे गरे सा, ये थोड़ा डिफरेंट है, जब रिपीट है धनी सा गा गम गरे, एक ब्रेथ में ही है। और माँ भी एक ब्रेथ में, माँ गरे रे सा सा गा। जो सेम था वैसे ही, खाली आप हम लोगों को स्टैकाटो दे के बजाना है। स्टैकाटो मतलब क्या, टाटा टाटा बोल के बजाना है। मतलब शॉर्ट शॉर्ट नोट, जस्ट थोड़ा परकुसिव टाइप का पैटर्न आएगा। मैं एक बार पूरा सॉन्ग बजा देता हूँ लास्ट टाइम। वीडियो एंड करने के पहले एक एडवाइस दूंगा मैं, कि ब्रीथिंग के बारे में बहुत जन को प्रॉब्लम होता है, तो क्या करना है ना, सॉन्ग में जब भी रेस रहता है तो एटलीस्ट 5 सेकंड पकड़ने का कोशिश करना है। उसके बाद हम लोगों को मुंह बड़ा करके ऐसे करके तुरंत बहुत सारा एयर लेना है अंदर तक, तो उससे थोड़ा एयर कंजर्व हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो फ्रेज है सॉन्ग का वो हम लोग इजीली प्ले कर सकते हैं।
और ये पैन फ्रूट इंडिया में खाली हम लोग ही बनाते हैं, हमको जितना दूर मालूम है, और हम लोग सेल भी करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं।